इन बिलों पर बोलने का मुझे आपने अवसर प्रदान किया। जाहिर को ये बहुत रोचक है क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी के लगभग 73 सालों में कभी भी इस प्रकार का ठोस और रचनात्मक को व्यवहारिक कदम उठाने का पूर्व की सरकारों के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया, जो उनकी कार्यशैली और संवेदनशीलता को परिलक्षित करता है। वहीं दूसरी ओर यह एक अत्यंत क्रांतिकारी कदम है जो भारत के असंख्य मजदूरों, कर्मकारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले करोड़ों लोगों के जीवन में मूलभूत तथा दूरगामी सुधार लाएगा। और इस कदम को हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री सम्मानित संतोष गंगवार जी के साहस का मूर्त स्वरूप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभापति महोदय जी, मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ प्रारंभ करना चाहता हूँ। हमारे सामने वाले मित्र चले गए, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। माननीय सभापति महोदय जी, ये पंक्तियाँ किसी और की नहीं हैं बल्कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हैं। और आज के संदर्भ में महात्मा गांधी जी की पंक्तियाँ किस प्रकार सार्थक हैं और कितनी सार्थक हैं, इसका विश्लेषण मैं अपने भाषण में आगे करूँगा, उसका प्रयास करूँगा। सभापति महोदय जी, वर्तमान में हिंदुस्तान की आबादी करीबन 134 करोड़ के आसपास है और इतनी बड़ी आबादी के एक बहुत बड़ा प्रतिशत मजदूरों, कर्मकारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले लोगों का है। इन सभी लोगों की वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्यदशा इत्यादि को संचालित करने के लिए देश के आज़ाद होने के तत्काल बाद से प्रयास किए गए। इस दिशा में कारखाना अधिनियम एक सर्वोत्तम प्रयास था जिसे 1948 में इसी संसद द्वारा बनाया गया। इसके पश्चात 2013 तक यानी हिंदुस्तान में मोदी सरकार के बनने के ठीक पहले तक देश के पास 29 केंद्रीय श्रम अधिनियम थे। यह एक रोचक बात है कि इन 29 केंद्रीय श्रम अधिनियमों में से आधे से अधिक 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं और कुछ तो 70 वर्ष पुराने हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकारों ने इसे बदलने का प्रयास नहीं किया, किंतु वास्तविकता यह है कि पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने समय समय पर इसमें कोई परिवर्तन तो किए लेकिन ये परिवर्तन उसी प्रकार थे। सभापति महोदय जी, मैं एक सामान्य मजदूर परिवार से आया हूँ और मेरी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी, तो मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। इनके द्वारा जो प्रयास किए गए वो प्रयास ऐसे किए गए कि कभी साइकिल का पहिया बदल दिया, कभी उसका हैंडल बदल दिया, कभी उसका ब्रेक बदल दिया और कभी उसका उसका टायर बदल दिया। एक समय तो ऐसा भी आया कि ना तो वो साइकिल रही और ना मोटरसाइकिल बनी और ना ही साइकिल रह पाई। ऐसी दशा में हमारे सभी केंद्रीय श्रम अधिनियमों की हुई। यह सभी अधिनियमों में विगत वर्षों में इतने ज़्यादा पाबंद लगाए गए कि ये ना तो कर्मकारों को कोई अल्पकालिक या दूरगामी लाभ पहुंचा सके और न ही नियोक्ताओं को कोई प्रेरणा दे पाए हिंदुस्तान में काम करने से अपने साथ देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। इन केंद्रीय श्रम अधिनियमों से देश में लिटिगेशन यानी विवादों की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली, जिससे किसी को लाभ तो नहीं हो पाया बल्कि इससे जुड़े सभी वर्गों को हानि उठानी पड़ी। सभापति महोदय, इन केंद्रीय श्रम अधिनियमों को समय के साथ मूलभूत परिवर्तन न करने की इच्छा शक्ति के अभाव के कारण देश को अभूतपूर्व क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि कई केंद्रीय श्रम अधिनियम तो आपस में इतने विरोधाभासी हो गए थे कि इन विरोधाभासों के कारण जायक और कर्मकारों में काफी असंतोष था, वहीं वो नियोक्ताओं में भी काफी निराशा थी। ऐसी दिशा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम की नींव रखी और इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। इन परस्पर विरोधाभासी 29 केंद्रीय श्रम अधिनियमों का एक समग्र रूप में विस्तृत अध्ययन किया जाए और एक आसान तरीके से समन्वय स्थापित करके केवल 4 संहिताओं में समावेश किया जाए जो सर्वव्यापी हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वलोकव्यापी हो। सभापति महोदय, जब सरकार की यह मंशा मीडिया के माध्यम से परिलक्षित हुई तो ठीक उसी समय से हमारे उस ओर सामने बैठने वाले जो हमारे मित्र हैं वो मित्र एक्टिव हो गए और हमारे ऊपर तरह तरह से उपहास किए गए, हंसी उड़ाई गई। इसके पश्चात हमारे ये सभी मित्रों ने लड़ने की मुद्रा अंगीकृत कर ली और कहने लगी कि हमारी सरकार कर्मकारों के हितों को ध्यान में न रखकर नियोक्ताओं के हितों को ध्यान में संरक्षित कर रही है। सभापति महोदय, इन सभी घटनाक्रमों को एक क्रमवार रूप में देखकर ही मैंने अपने भाषण के प्रारंभ में और महात्मा गांधी जी की उन पंक्तियों को उद्धृत किया था कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और जब ये संहिताएं मूर्त रूप लेने जा रही हैं तो उन पंक्तियों के अंतिम 3 शब्द भी सत्य प्रतीत होते हैं कि आप जीत जाएंगे। सभापति महोदय, मैं यहां ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन संहिताओं से संबंधित कानून बनने से हम नहीं जीतेंगे बल्कि हमारा देश जीतेगा, हमारे मजदूर भाई जीतेंगे, हमारा नियोक्ता वर्ग जीतेगा। सभापति महोदय, समय के साथ हमारी ये उड़ान जो किसी भी दिशा में नीचे गिरने के भय से ग्रसित नहीं थी, मुझे ये पंक्तियां याद आ रही हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं
मंजिल आसमानों की, रखता है जो हौसला आसमां को छूने का, नहीं होती परवाह उसे गिर जाने की। सभापति महोदय, अब मैं आज के विषय के तीनों श्रमों कानूनों यानी उपजीवन का जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यकर्ता संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा औद्योगिक संबंध संहिता की कुछ मूलभूत विशेषताओं पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह संहिता 13 महत्वपूर्ण अधिनियमों जिनमें कारखाने, खान, यार्ड, कर्मकार, भवनों, अन्य संनिर्माण कर्मकार, बागान श्रम, ठेका श्रम, प्रवासी कर्मचार, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी, मोटर परिवहन कर्मकार, विक्रम संवर्धन कर्मचारी, बीड़ी तथा सिगार कर्मचार, सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कलाकारों से संबंध कर्मकारों से संबंधित 13 अधिनियमों की आवश्यक विशेषताओं को सम्मिलित किया गया। अभी तक की व्यवस्था में एक प्रतिष्ठान को कई तरह का पंजीकरण कराना पड़ता था, जिससे कई व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होती थी और विदेशी निवेशकर्ता भी अपनी पूंजी हमारे देश में लगाने से पहले 100 बार सोचते थे। अब चूंकि केवल एक पंजीकरण से ही काम पूरा हो जाएगा, अतः देश में न केवल पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना भी जल्द पूरा होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को भी शामिल करने के लिए श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा में जो संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, यह वास्तव में बहुत स्वागत योग्य है और इसके लिए इसके उस क्षेत्र में जो है ना श्रमजीवी पत्रकार वर्ग के क्षेत्रों में काफी इसकी भूरी भूरी सराहना हो रही है। परिवार की जो परिभाषा है, कामगार के जो आश्रित दादा दादी हैं, कई बार क्या होता है कि कोई कर्मकार होता है, कर्मकार के माता पिता का निधन हो जाता है लेकिन दादा दादी नाना नानी उसके ऊपर निर्भर होते हैं, तो इसमें दादा दादी नाना नानी को भी शामिल करने के लिए परिवार की परिभाषा में और न्यायपूर्ण विस्तार किया गया है। विडो बहन और विडो पुत्री को भी इसमें शामिल किया गया है और जिससे बागान अधिनियम के अंतर्गत कामगारों की मृत्यु के मामले में प्रतिपूर्ति जैसे कल्याण लाभ प्राप्त होंगे। नियोक्ताओं के द्वारा नियत जांचों के लिए जो निर्धारित आयु है, उस निर्धारित आयु से अधिक आयु वाले कर्मचारियों की भी निःशुल्क बारे स्वास्थ्य जांच कराया जाना, जिससे स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु कर्मकारों में मनोबल बढ़ेगा और कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी, फैक्ट्री या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अपने प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य किया गया है। बगैर नियुक्ति पत्र दिए वे अपने कर्मचारी से काम नहीं ले सकेंगे, इससे कर्मचारी भविष्य निधि व राज्य जीवन बीमा निगम को बढ़ावा मिलेगा। सिने कामगारों की परिभाषा में संशोधन करके से और अधिक व्यापक बनाया गया है, जिससे टेलीफिल्म, दूरदर्शन इत्यादि पर दिखाई जाने वाले फिल्मों के कामगारों को भी और इसमें शामिल किया गया है। जब किसी उपक्रम में दुर्घटनावश यदि कोई कर्मकार जख्मी हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो न्यायालय द्वारा नियोक्ता पर जो दंड लगाया जाएगा उसका 50% भाग दुर्घटना के शिकार व्यक्ति या उसके आश्रितों को दिया जा सकेगा। महिला कर्मकारों को पहली बार शाम 7 बजे के बाद और प्रातः 6 बजे से पहले के अंतराल में किसी प्रतिष्ठान में कायम करने की इजाजत दी गई, जिससे अब सही मायने में महिला और पुरुषों में बराबरी के सिद्धांत को जो है ना देखा जा सकेगा। मानव संसाधनों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के लिए केवल एक लाइसेंस यानी जो अखिल भारतीय होगा पूरे देश में काम करने की सुविधा देगा, ऐसी व्यवस्था इसके अंदर की जा रही है। इसका लाभ यह होगा कि प्रत्येक बात पर सरकारी मशीनरी का जो हस्तक्षेप है वो हस्तक्षेप कम होगा, साथ ही साथ भ्रष्टाचार में कमी आएगी और कागजी काम भी कम होगा। जुर्माने की राशियों को भी प्रभावी रूप से बढ़ाया गया है ताकि नियमों का पालन यथोचित प्रकार से सभी नियुक्ताओं के द्वारा किया जाए। इन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंस्पेक्टर राज को प्रभावी रूप से कम करने के लिए भी इस संहिता में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिसमें विशेष है कि इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया है। संहिता में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि एनडीए की सरकार इंस्पेक्टर राज को समाप्त कर फैसिलिटेटर की भूमिका बढ़ाना चाहती है, जिससे व्यापार और उद्योग की उन्नति के लिए आवश्यक है। क्या होता है कि मजदूर जो है ना और इंस्पेक्टर के बारे में सोचते हैं कि ये तो नियोक्ता का व्यक्ति है और नियोक्ता ये सोचता है ये शासकीय व्यक्ति है, न जाने हमारे लिए कौन सी परेशानी खड़ा कर देगा। और इस तरह से एनडीए की सरकार ने इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का जो प्रावधान किया गया है ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सामाजिक सुरक्षा संहिता वास्तव में सामाजिक सुरक्षा संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि, केंद्रीय राज्य बीमा निगम, प्रसूति प्रसविधा कर्मचारियों के लिए प्रतिकार, भवनों और निर्माण कर्मकारों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर, असंगठित कामगारों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा आदि विषयों को लेकर इस प्रकार परिभाषित करती है जो समय के अनुरूप है और आने वाले समय में भारत के निर्माण में एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसी प्रकार औद्योगिक संबंध संहिता मूलतः विवादों का मध्यस्थता के लिए प्रावधान, औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए एक सशक्त तंत्र, हड़ताल, छटनी और बंदी के कुशल प्रावधान जिससे किसी भी पक्ष को कोई असुविधा न हो तथा अनुचित श्रम प्रवाह जैसे नियमों को अपने में समाहित किए है। सभापति महोदय, चूंकि देश में पहली बार 2 दर्जन से अधिक श्रम संबंधित कानूनों को केवल 4 कानूनों में समाहित करने का
क्रांतिकारी और साहसपूर्ण निर्णय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। वर्तमान में 13 अधिनियमों में से 7 के अंतर्गत अलग अलग विवरणी फाइल की जाती है, जिसके अंतर्गत एक विवरणी प्रस्तावित है, जिससे रजिस्ट्रों की संख्या न्यूनतम हो जाएगी और ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। निस्संदेह इसमें हमारे मित्रों को कुछ कमियां नजर आ सकती हैं, लेकिन जब इन कानूनों को क्रियान्वित किया जाएगा तो इनका सतत रूप से मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसा मेरा विश्वास है कि जो भी कमियां होंगी वो क्रियान्वित करते समय पाई जाएंगी, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ताकि हमारे मजदूर और कामगार भाइयों और बहनों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े, नहीं किसी के द्वारा इनका शोषण हो सके, चाहे वो नियुक्ता वर्ग के हों या सरकारी विभाग के हों। माननीय सभापति महोदय, इसमें जो प्रावधान किया गया है, मैंने देखा कि ठेका श्रमिकों में कई बार क्या होता है कि ठेके श्रमिक उनके अंतर्गत जो काम करने वाला जो मजदूर होता है, उस मजदूर को उसके खाते में तो सीधा पैसा डाला जाता है, लेकिन बैंक के बाहर उस ठेकेदार का एक व्यक्ति खड़ा होता है जो उससे वहीं पर बैंक के बाहर उससे पैसा ले लेता है। लेकिन अभी इसमें इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, अब ठेकेदार इस तरह की कोई भी अनियमितता नहीं कर सकेंगे और समय पर पूरा पैसा उसको मजदूर को देना होगा, कर्मकार को देना होगा, और अगर उसमें किसी तरह का व्यवधान या उसकी किसी तरह की लापरवाही उसके द्वारा की जाती है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉय की जिम्मेवारी होगी कि उस कर्मकार को पूरा पैसा मिले और उसकी निधि में से ठेकेदार की निधियों में से वो पैसा काटा जाए। साथ ही साथ ऐसे स्थानों पर काम करने वाले जो हमारे कर्मकार हैं, उन कर्मकारों के सुरक्षा के प्रबंध भी आईएस। माननीय सभापति महोदय, मैं 1.5 मिनट ही लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। और इसी तरह खानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो जमीन के अंदर काम करते हैं, तो निर्धारित जितने घंटे काम करने की जो पारी होती है, उस पारी से ज्यादा उनसे काम ना लिया जाए, और उनका जो विशेष अधिकारी हैं, विशेष अधिकारी किसी भी समय जाकर खान में जो है ना वो निरीक्षण कर सकेगा, वहां के टेम्परेचर को भी मापन कर सकेगा। अब हमारे जो फरीदाबाद का कांच उद्योग है, मिर्जापुर का कालीन उद्योग है, शिवाकाशी का पटाखा उद्योग है, सेलेट पेंसिल उद्योग है, ये सारे ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर मजदूरों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, और इन बिलों में ऐसे सारे क्षेत्रों को चिन्हित करके मजदूरों की सुरक्षा के सारे प्रबंध वहां पर किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अंत में इस भावना के साथ में कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे श्रम मंत्री सम्माननीय संतोष गंगवार जी के द्वारा ये जो बिल लाए गए हैं, ये बिल आने वाले समय में मजदूरों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे, और इस लाइन के साथ में अपनी बहन को विराम देना चाहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित करता हुआ, ये कौन आ रहा उजेला छा रहा, ये कौन आ रहा उजेला छा रहा, ये कौन मजदूरों के हितों में नए नए बिलों को लेकर आ रहा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।